अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज वो बातें बयान की जाएंगी कि कुर्बानी की शराइत, कुर्बानी किस पर वाजिब है और किस पर वाजिब नहीं है। उनमें से पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना ज़रूरी है, और दूसरी शर्त यह है कि बालिग हो नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से मुकीम हो मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरीके से आज़ाद हो ग़ुलाम पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। और मेरे अज़ीज़ो, इसके साथ साथ मजनू जो हो जाता है उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर उसे मजनूपन से जो है इफाका हो जाए, वो ठीक हो जाए, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से मिस्कीन है, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।